गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज हेवेडी क्यूएनए सेशन 18, जिसमें आज हमने आपके कुछ कमेंट्स को पिक किया है। यहाँ पर मैं कल इंस्टाग्राम स्टोरी थोड़ा सा लेट अपलोड कर पाया था, तो अभी तक उस पर मुझे कुछ ऐसे रिप्लाई देखने को नहीं मिले जिसको मैं इस वीडियो में मेंशन करूँ। तो इस वीडियो में आज सिर्फ यूट्यूब के कुछ कमेंट्स हैं जो कि थोड़े से कम हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं जो अभी सेल चल रही है, ग्रेट इंडियन सेल की बात करते हैं, रिपब्लिकन सेल की बात करते हैं, तो इन दोनों सेल पर आपके लिए आईफोन्स पर कुछ डील देखने को मिलती है जिसके बारे में इस वीडियो में एंड में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आपके क्या है डाउट्स, क्या है प्रॉब्लम्स, उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कमेंट आता है गाइस हमारे पास बंसल गेमिंग की तरफ से, जो ये बोलते हैं जिस तरह से इनके पहले ही बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, बट इनके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जेन्युइन कमेंट्स होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर पूछते हैं, जैसे ही आईफोन पर ये गेमिंग करते हैं तो शो होता है नोटिफिकेशन टैब, वो जब गेमिंग को रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक्त वो प्रॉब्लम देता है, तो उसको किस तरह से मैनेज करें कि उनके लिए वो प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो मैं आपको बता दूं कि आप जा सकते हैं सेटिंग में, सेटिंग में जाके आप नोटिफिकेशन टैब में जा सकते हैं, जो एप्स की आपके लिए ज्यादा नोटिफिकेशन आती है उनको ओपन करके वहां पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, उसको आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है शायद से इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब आप करके देखिए, अगर आपका अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, आगे मैं और कोई ऑप्शन निकालूंगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है हमारे पास गाइस जैक गेमिंग की तरफ से, जो है बोलते हैं आईफोन XR की प्राइस ऑफलाइन स्टोर पर कब ड्रॉप होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आईफोन XR की प्राइस आपके लिए मार्च के बाद कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्च के अप्रॉक्स में आईफोन SE 2 के लॉन्च होने के भी चांसेस हैं। इसके साथ साथ मार्च के टाइम पर जो आईफोन XR का इंडियन प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो आईफोन XR की जो भी डील होगी वो आपके लिए मार्च के बाद देखने को मिल जाएगी ऑफलाइन स्टोर पर कम। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है गाइस हमारे पास अनिकेत गायकवाड़ जी की तरफ से, इसके साथ साथ इन्हीं के जैसा एक और कमेंट हमारे पास नोमान जी की तरफ से आता है, जो यह बोलते हैं आईफोन SE 2 के लॉन्च होने के बाद जो आईफोन 7 है, 7 प्लस है, 8 है, 8 प्लस है, XR है, X है, तो यहाँ पर कुछ प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन SE 2 अगर आता है तो यहाँ पर आईफोन 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस में तो शायद से 100% आपके लिए प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा उसमें प्राइस ड्रॉप तो वो सेट डिसकंटिन्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि जो आईफोन SE 2 होगा वो इनसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं आईफोन XR की, आईफोन X की डील आपके लिए यहाँ पर अभी से ही देखने को नहीं मिलती है, बट XR की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से XR में मार्च के बाद आपके लिए जो इंडियन प्रोडक्शन है उसी का प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। आईफोन SE 2 के लॉन्च होने का वहां पर कोई प्राइस का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आईफोन XR आराम से SE 2 को टक्कर दे सकता है और SE 2 से बेहतर भी हो सकता है, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी उसको कंपेयर कर चुका हूं। अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बट यहाँ पर आईफोन 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस के प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आप इनमें से कोई डिवाइस लेना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि आईफोन SE 2 बहुत बेटर डिवाइस होने वाला है, तो आप उसी का वेट करें और उसी के लिए बाय करें, वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपके लिए इन चारों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है गाइस हमारे पास साहिल सोनी जी की तरफ से, जो है बोलते हैं आईफोन X आज भी ऑफलाइन स्टोर पर अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मुझे सब स्टोर का तो नहीं पता, बट अभी मैं ग्वालियर का जो एप्पल स्टोर है वहां पर मैं गया था, तो आईफोन X वहां पर तो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आईफोन XR, आईफोन XS और आईफोन 11 वगैरह तो अवेलेबल थे, बट यहाँ पर आईफोन X की डील मुझे स्टोर पर देखने को नहीं मिली। और सारे ही सेट पर 6000 का HDFC के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप चाहो तो अपने नियरेस्ट स्टोर पर देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आईफोन X अब स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपके लिए जो ऑनलाइन मार्केट है उसमें भी आईफोन X की डील अब आपके लिए देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है गाइस हमारे पास दर्शन राठौड़ जी की तरफ से, जो है बोलते हैं उनके लिए आईफोन बहुत पसंद है, वो आईफोन 7 प्लस बाय करें या आईफोन 8 प्लस बाय करें। तो मैं आपको यहाँ यह रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन बाय कर रहे हो तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें, 1-2 महीने का वक्त रह गया है, आप आईफोन 9 के लॉन्च का इंतजार करें, क्योंकि वो डिवाइस मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे डिवाइस से बहुत बेहतर होगा, तो इस वजह से उसका वेट करें। अदरवाइज आप चाहें अगर 40,000 तक अगर अफोर्ड कर सकें तो आप आईफोन XR को बाय कर सकते हैं, जो आपके लिए 3 से 4 साल की परफॉर्मेंस आईफोन 8 प्लस और 7 प्लस से बहुत ज्यादा बेहतर देगा। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है हमारे पास पीयूष राजपूत जी की तरफ से, जो है बोलते
बोलते हैं आईफोन XR ले लें या SE2 का वेट करें, तो मैं आपको ये बता दूं कि XR बहुत अच्छा डिवाइस है, SE2 जो आएगा उसकी टक्कर का डिवाइस है, आराम से उसको बीट कर देगा XR। बिकॉज अगर बात करते हैं बैटरी बैकअप की, वो आईफोन XR का बहुत बेहतर होने वाला है। डिजाइन की बात करते हैं, वो आईफोन XR का बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि इसमें नॉच वाली डिस्प्ले आती है, इसके साथ साथ ये आराम से कम्पीट करेगा आईफोन SE2 का। तो अगर आपके लिए आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्टफोन की, तो आप आराम से आईफोन XR को बाय कर सकते हैं। आपको आईफोन XR लेने के बाद ऐसा फील नहीं होगा कि आईफोन 9 आईफोन XR से बेटर है। हाँ, ये है कि आईफोन XR के कॉम्पिटिशन में जरूर आएगा आईफोन 9, बट आईफोन XR आपके लिए कहीं भी कम नहीं होने वाला है। तो अगर आपके लिए आईफोन XR की जो अभी डील सेल पर देखने को मिल रही है वो अगर अच्छी लगती है, तो आप आज आईफोन XR को आराम से बाय कर सकते हैं। और अगर आप वेट करें तो आईफोन 9 का वेट करके फिर दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास आईफोन 9 से रिलेटेड क्लियरली इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, इस वजह से क्लियरली बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप वेट कर सके तो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आईफोन XR को आज बाय करते हैं, तो वो भी आपके लिए 2 से 3 साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगा। इसके अलावा गाइस, ये थे कुछ कमेंट्स जो कि हमने यूट्यूब की वीडियोस से पिक करे। इंस्टाग्राम पर यहाँ पर स्टोरी लेट अपलोड हुई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ऐसे कोई जेन्युइन रिप्लाई देखने को नहीं मिले जो कि इस वीडियो में मैं उनको मेंशन करूं। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 डील्स देखने को मिलती है, जो कि अभी बहुत सारे कमेंट्स में भी देखने को मिली। जिस तरह से यहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल चल रही है, जिस तरह से अमेजोन पर देखने को मिल रही है ग्रेट इंडियन सेल, जिसमें आईफोन XR की डील देखने को मिलती है, जो कि आपके लिए 42,900 रुपीज के अप्रोक्स देखने को। इसके साथ साथ यहां पर आपके लिए नो कॉस्ट ऑफ EMI का ऑप्शन भी आता है, जिसमें अगर आप चाहें तो 3 मंथ के अप्रोक्स EMI पर भी आप स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए नो कॉस्ट ऑफ EMI का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ 43,000 के हिसाब से ये स्मार्टफोन बहुत बेहतर है, जो आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस देगा और मुझे बहुत अच्छी प्राइस लग रही है इस प्राइस रेंज में। इसके साथ साथ यहां पर नेक्स्ट डील आपके लिए देखने को मिलती है आईफोन XS पर, जो कि आपके लिए फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगी द रिपब्लिक सेल में, जिसमें यहां पर फ्लिपकार्ट पर 49,990 रुपीस के अप्रोक्स में आपके लिए आईफोन XS देखने को मिल रहा है। बट मुझे जो फ्लिपकार्ट की सेल है वो ज्यादातर फेक देखने को लगती है, बिकॉज आईफोन XS भले ही आज 49,990 रुपीस का देखने को मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर, बट वो कितने मिनट के लिए सेल आई ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने उसको जितने ही बार खोला है वो वहां पर आउट ऑफ स्टॉक ही देखने को मिल रहा है। बट अगर अमेजोन की सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जेन्युइन सेल लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पर तभी से जब से ये सेल स्टार्ट हुई तभी से अभी तक अवेलेबल है, आप चाहो तो अभी भी इसको बाय कर सकते हो। बट अगर फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट मुझे इतना बेहतर नहीं लगता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर ग्रेट फेस्टिवल सेल में भी आईफोन X पर 44,000 के अप्रोक्स सेल आई थी, बट किसी को नहीं पता कि कितनी डील्स वहां पर क्लेम करी गई। बट यहां पर इसी तरह से फ्लिपकार्ट की ये XS पर भी डील आती है, जो कि मुझे यहां पर जेन्युइन नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने इसको एक भी बार ऐसा नहीं देखा कि स्मार्टफोन स्टॉक में हो, ऐसे बैनर लगाने का क्या फायदा। बट अगर आप आईफोन XR को बाय करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अमेजोन पर अभी भी डील ओपन है, आप चाहो तो उसको बाय कर सकते हो, बहुत बेटर डील है, आपके लिए नो कॉस्ट ऑफ EMI का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप कोई आईफोन बाय करना चाहते हो तो अभी इस वक्त आईफोन XR को बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये थे कुछ कमेंट्स जो कि हमने इस वीडियो में पिक करे। हाँ, आज कुछ कमेंट्स कम थे, क्योंकि मैंने पिछले वीक में वीडियोस भी कम अपलोड करी है, बट आगे कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर सकूं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके लिए एप्पल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में।